तो यार क्या हाल है। वेलकम बैक टू ट्राइमैक्स यूट्यूब चैनल, योर डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग ऑडियो। और मैं हूं डीडी, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3.5 mm केबल्स के बारे में। इनमें क्या कंफ्यूजन है, क्या डिफरेंसेस है, और आपको कौन सा केबल यूज करना चाहिए जब आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने माइक्रोफोन को, फिर चाहे एक कैमरा के साथ, लैपटॉप के साथ या स्मार्टफोन के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। स्वागत है आप सबका ट्राइमैक के यूट्यूब चैनल पे। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे माइक्रोफोन्स पे एक 3.5 mm का पोर्ट होता है, जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन को अपने कैमरा, अपने लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन के साथ। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सेम केबल आप नहीं यूज कर सकते हैं जब आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने माइक्रोफोन को इन अलग अलग डिवाइसेस के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उस केबल के बारे में जिसको आपको यूज करना है जब आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने माइक्रोफोन को अपने कैमरा के साथ। तो इस केबल का नाम है SE2 केबल, जो कि एक TRS केबल है। इसका मतलब होता है टिप रिंग स्लीव, TRS। और इसमें आप देख सकते हैं एक सिंगल रिंग होता है जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन को अपने कैमरा या DSLR के साथ। यहाँ पे अगर आप दोनों साइड पे देखेंगे तो आपको सिंगल रिंग ही देखने को मिलेगा। ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये केबल एक TRS केबल है और इसको आप यूज कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ। अब बारी आती है लैपटॉप्स की। तो अगर आप अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो उस सिचुएशन में आप नहीं यूज कर सकते हैं रोड SE2 केबल यानी कि TRS केबल। इस सिचुएशन में आपको यूज करना है रोड SE7 केबल, जो कि एक TRS टू TRRS केबल है। TRRS का मतलब होता है टिप रिंग रिंग स्लीव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो TRRS वाला एंड है वहां पे आपको दो रिंग्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रोड ने एक बहुत अच्छी चीज की है कि जो TRRS वाला एंड है उसको ग्रे कलर दे दिया है, जिसकी मदद से आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपने माइक्रोफोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए जो TRS एंड है यानी कि जो ब्लैक एंड है वो जाएगा आपके माइक्रोफोन के 3.5 mm आउटपुट में, और जो TRRS वाला एंड है यानी कि जो ग्रे एंड है वो कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप के हेडफोन जैक में। अब बारी आती है स्मार्टफोन्स की। तो स्मार्टफोन्स में भी आपको यूज करना है रोड SE7 केबल यानी कि TRRS केबल। यहाँ पे जो ब्लैक एंड है यानी कि TRS एंड है वो कनेक्ट होगा आपके माइक्रोफोन के 3.5 mm आउटपुट में, और जो TRRS वाला एंड है यानी कि जो ग्रे एंड है वो कनेक्ट होगा आपके स्मार्टफोन के हेडफोन जैक में। अगर आपके पास इन दोनों केबल्स में से सिर्फ एक ही केबल है और आप इस केबल को यूज करना चाहते हैं अलग अलग डिवाइसेस के साथ, तो रोड इनके लिए अडेप्टर्स भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास रोड SE2 केबल है और आप इसको यूज करना चाहते हैं अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ, तो उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं रोड SE4 अडेप्टर, जो कि एक TRS टू TRRS अडेप्टर है। सिमिलरली, अगर आपके पास रोड SE7 केबल है और आप उसको यूज करना चाहते हैं अपने कैमरा के साथ, तो उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं रोड SE3 अडेप्टर, जो कि एक TRRS टू TRS अडेप्टर है। तो ये वीडियो कैसे लगा प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई सवाल है इन केबल्स को लेके या ऑडियो को लेके जनरली भी, तब भी आप उनको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।